देखो, तो सबसे पहले हम लोग आज करेंगे वेरियस एरर्स इन एक्सेल. ठीक है, दीज आर फ्यू एरर्स जो मैंने लिखा है, जो कॉमन एरर्स है जो होते हैं. ठीक है, एरर समझना इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगर सपोज कहीं पे भी वैल्यू एरर आ गया, तो क्यों आ रहे वो वैल्यू एरर हम लोग को पता होना चाहिए, राइट? तो देखो, पहला एरर इज़ डिविजन बाई ज़ीरो. डिवाइडेड बाई ज़ीरो ये कब होगा? जब भी हम लोग कोई भी नंबर को ब्लैंक सेल से डिवाइड करें. ब्लैंक सेल्स मीन ज़ीरो, राइट? तो ब्लैंक सेल से डिवाइड करें तब ज़ीरो आएगा, राइट? या फिर ज़ीरो से ही डिवाइड करें, कोई सेल में ज़ीरो नंबर है उससे डिवाइड करें, तो ये वाला एरर आता है. ठीक है, अब नेक्स्ट इज़ नम एरर. नम एरर क्या होता है? इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. इनवैलिड आर्ग्यूमेंट एज इन लॉग ऑफ -1, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसमें एरर आएगा. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसमें एरर आएगा. ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई भी आर्ग्यूमेंट गलत देते हैं, तो नम एरर आते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट इज़ वैल्यू एरर, विच इज़ मीनिंगलेस कैलकुलेशन. मीनिंगलेस कैलकुलेशन मतलब जनवरी प्लस 2020, कोई मीनिंग नहीं है इस कैलकुलेशन का. कोई भी टेक्स्ट प्लस नंबर कर ही नहीं सकते हम लोग वो चीज़. ठीक है, तो वैल्यू एरर आते हैं. एन ए नॉट एप्लीकेबल, ये कब आता है? सपोज हम लोग अभी सीखेंगे वी लुकअप, तो हम लोग याद करो, हम लोग कर रहे थे इफ फंक्शन में दैट सेल इज़ इक्वल टू पेंसिल, राइट? अगर पेंसिल कोई वर्ड होता ही नहीं मेरे पूरे कॉलम में, सपोज पेंसिल होता ही नहीं, तो एन ए आता. क्लियर है? अगर पेंसिल होता ही नहीं, तो हम लोग अभी करेंगे वी लुकअप. देखो, फेब्रुअरी का स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे मे बी ये वाला आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता उस पर्टिकुलर कॉलम में, तो एन ए आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज रेफरेंस एरर. इनवैलिड सेल रेफरेंस मतलब कि सपोज हम लोग ऐसा कोई सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, मे बी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेक्स्ट को टेक्स्ट प्लस नंबर, तो टेक्स्ट वाला जो सेल है दैट इज़ इनवैलिड सेल रेफरेंस. ठीक है, तो ऐसा कुछ है तो रेफरेंस एरर आते हैं. जब भी कोई भी सेल रेफरेंसिंग तुम लोग का गलत होता है उसमें. नल एरर कब आते हैं? वेन यू स्पेसिफाई इंटरसेक्शन ऑफ टू रेंजेस दैट डोंट इंटरसेक्ट. ये हम लोग अभी इंडेक्स फंक्शन में समझ आएगा तुम लोग को. बेसिकली नल एरर क्या हुआ? जब हम लोग मे बी टू सेल रेंजेस बता रहे हैं और वो इंटरसेक्ट होना चाहिए था पर हो नहीं रहा, तो नल एरर आते हैं. ठीक है, ये दोनों हम लोग वापस देखेंगे एक बार, नल एरर और एन ए, जब हम लोग वी लुकअप और इंडेक्स फंक्शन करेंगे. नेम एरर कब आते हैं? एक्सेल डजेंट रिकोगनाइज द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला. तो सपोज हम लोग पेंसिल लिखे, उसको हम लोग कोटेशंस में लिखते हैं, राइट? कोटेशंस में नहीं लिखोगे तो नेम एरर आएगा. क्लियर है? तो अब देखो ये वाला हैशटैग, ये हैशटैग कब आता है? जब साइज बट, तो बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं अभी तक. इनफैक्ट ये वाला क्वेरीज आते हैं मेरे पास बोलने के बाद भी क्लास में, अभी भी बहुत जन पूछते हैं कि ये हम लोग का हैशटैग आ रहा है, कुछ गलत है. मैं बोलती हूँ कुछ गलत नहीं है, तुम लोग को सेल का साइज बड़ा करना है, विड्थ इंक्रीज करना है. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक एरर्स जो है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पहले हम लोग कुछ बेसिक्स फंक्शन सीखेंगे आज. और दीज फंक्शंस आर वेरी लाइक वी लुकअप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. अगर एक्सेल आपको आता है तो मे बी आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. तो सबसे पहले तो वी लुकअप यूज़ करते क्यों है? सपोज मुझे यहाँ पे बहुत छोटा सा टेबल है, तो अगर मैं पूछूँ सपोज कि किसको 72 मिला था इंग्लिश में, तो आप सिंपली बोल दोगे साक्षी को मिला था, राइट? पर अगर बहुत बड़ा डेटा है तो आप कैसे बताओगे कि किसको कितना मार्क्स मिला है? ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप यूज़ करते हैं, विच मीन्स वर्टिकल लुकअप. वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, कॉलम वाइज वर्टिकली हम लोग देखते हैं कि कौन से किसको, कौन सा सेल किसको किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है. क्लियर है? अब हम लोग धीरे धीरे करेंगे तब समझ में आएगा. सपोज मैं लिख रही हूँ सब्जेक्ट में मैथ एंड नेम, सपोज मैं दे रही हूँ आयुष या फिर ले लेते हैं अनुष. क्लियर है? अब वी लुकअप यूज करते हैं. सपोज मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, सबसे पहले तो वी लुकअप का मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है. लुक्स फॉर अ
value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row from a column you specified. Basically क्या होगा कि ये इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम ये वाला हुआ टेबल का, सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में से वो वैल्यू सर्च करेगा. आयुष, मैंने अनुज डाला क्या? तो सपोज मुझे अनुज का मैथ का मार्क्स चाहिए, राइट? तो वो इस वाले कॉलम में, सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में ये मेरा लुकअप वैल्यू है, वो इसको ढूंढेगा इस पर्टिकुलर कॉलम में अनुज को, उसको कहाँ मिला. अगर हम लोग ये पूरा टेबल ले रहे हैं, दिस इज विच रो, 1 2 3 4, फोर्थ रो में अनुज को ढूंढा, ठीक है, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे उसका मैथ का मार्क्स दे देगा. मैथ का मार्क्स इस पूरे टेबल में कौन सा कॉलम है? कॉलम नंबर 2 है. तो मुझे कहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है? कॉलम नंबर 2 से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है. लुकअप वैल्यू इज जहाँ पे वो ढूंढ रहा है, रो नंबर ढूंढ निकाल रहे हैं एंड फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैथ का मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. क्लियर है? तो देखो, वी लुकअप सबसे पहला हो गया लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू मेरा नेम है, वो कहाँ से ढूंढेगा? लेफ्ट मोस्ट कॉलम में से ढूंढेगा. नेक्स्ट टेबल आ रहे, टेबल आ रहे मतलब ये पूरा टेबल मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अब हम लोग सीखेंगे, ज़रूरी नहीं कि ये पूरा टेबल है, हम यहाँ से भी अपना टेबल स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपना टेबल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन माई डेटा, डिपेंडिंग ऑन वॉट कैलकुलेशन आई वॉन्ट टू डू. ठीक है, ये हो गया. कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि कौन से कॉलम से मुझे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से कॉलम से? सेकंड कॉलम से, तो 2 लिखेंगे. ठीक है, और फिर हम बताएंगे कि रेंज लुकअप, एज एन आई वॉन्ट अ ट्रू वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और अ एग्जैक्ट वैल्यू. मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, कभी भी ट्रू मत करना. ट्रू से क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट मैच आते हैं. सपोज अनुज के बगल में आयुष का मार्क्स आ जाएगा, हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट मैच. तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए मैं फॉल्स लिखूंगी. हमेशा फॉल्स है, ट्रू इज इन कैप्स लॉक. ठीक है, ये मैंने क्लोज किया, क्या आया? 67. क्लियर है कैसे किए हमने? अभी तुम लोग करो खुद से वी लुकअप, फिर इसका हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे क्या होता है. करो पहले. हुआ, आया आंसर? सिलेक्ट, डबल क्लिक करना पड़ेगा, एक क्लिक से नहीं होता. एंड अगर टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हो. आया वी लुकअप का आंसर? ये हमने वी लुकअप किया. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? क्या लिखा हुआ था कि इट लुक्स द वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कॉलम. तो सपोज मेरा नेम वाला कॉलम मैथ वाले कॉलम के राइट में होता, इसका क्या मतलब है? जहाँ से मुझे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे कहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है? इससे. एंड कहाँ से वैल्यू देखना है? यहाँ से देखना है. तो सपोज मेरा लुकअप वैल्यू वाला जो कॉलम है वो मेरे जहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है उसके राइट में होता, तो वी लुकअप हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे. वी लुकअप हमेशा यूज़ होता है जब भी हम लोग का जो लुकअप वैल्यू वाला कॉलम है, दिस इज़ द लुकअप वैल्यू वाला कॉलम, वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए टेबल के, टेबल का लेफ्ट मोस्ट. अब ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, देखो, कि मेरा मैथ इधर होता, नेम इधर होता एंड सपोज इधर कोई एक और कॉलम होता एंड हम लोग टेबल आ रहे यहाँ से स्टार्ट करते, तो भी नहीं होता. टेबल जो सिलेक्ट कर रहे हो उसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम शुड रिप्रेजेंट द लुकअप वैल्यू वाला कॉलम.
तभी हम लोग वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वी लुकअप, तो आप लोग बोलोगे कि हम लोग का जो लुकअप वाली वाला कॉलम है शुड बी द लेफ्ट मोस्ट इन द टेबल यू हैव सिलेक्टेड। क्लियर है? हाँ, बीच में नहीं, एकदम लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए। मेरे पूरे टेबल का लेफ्ट मोस्ट शुड बी द वी लुकअप वाला कॉलम। क्लियर है? क्लियर है अभी ये चीज़? ठीक है, तो ये हम लोग का डिसएडवांटेज एक था वी लुकअप का। इसको कैसे ओवरकम करते हैं? इंडेक्स और मैच फंक्शन से। उसके पहले एक छोटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे हम लोग। ये मैंने अनुज जो यहाँ बनाया है, सपोज़ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसमें से कोई भी नाम मैं सिलेक्ट करूँ। सपोज़ मैं सिलेक्ट करूँ रिया, तो रिया का मार्क्स आ जाए। सपोज़ मैं सिलेक्ट करूँ मीता, तो मीता का मार्क्स आ जाए। तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं? देखो, डेटा टैब में जाते हैं। डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में यू गेट डेट, डेटा वैलिडेशन में जाके डेटा वैलिडेशन, फिर यहाँ देखना, दिख रहे क्या आप लोग को? सपोज़ यहाँ पे एनी वैल्यू है, हम लोग सीखेंगे अभी डेटा वैलिडेशन और डीप में। सपोज़ मुझे लिस्ट क्रिएट करना था ऑफ ऑल द नेम्स यहाँ पे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है यार, तुम लोग ने कभी नोटिस किया होगा, तुम लोग फॉर्म फिल करते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है, उसमें से यू सिलेक्ट मेल फीमेल या वैसे करके। सेम वी आर गोइंग टू क्रिएट यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या किए, डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स अलाउ लिस्ट, लिस्ट किया हमने अलाउ। सोर्स मतलब कि कहाँ से मुझे मेरा लिस्ट का जो नेम्स है उसमें क्या होना चाहिए वो सिलेक्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। दीज आर द वैल्यूज विच आई वॉन्ट। ठीक है, वापस इस पर क्लिक किया, ओके, एंड सी एक ड्रॉप डाउन आ गया। अब मैं रिया सेलेक्ट करूँगी तो मार्क्स 88 हो गया। क्यों मार्क्स 88 हुआ? बिकॉज अब वो रिया को ढूंढ रहे इस पर्टिकुलर कॉलम में। उसका नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6, सिक्स वाले रो में से 88 एक्सट्रैक्ट करके हम लोग को दे रहे हैं। क्लियर हुआ? अब ट्राई करो खुद से करने का। डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, आया लिस्ट क्रिएट करना एंड सोर्स सेलेक्ट करना। क्लियर है? चेंज कर करके देख लो आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे वी लुकअप है वैसे ही एच लुकअप है। एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब सपोज ये जो मेरा टेबल है ये पूरा उल्टा होता, उल्टा होता एज इन यहाँ पे नेम मैथ मार्क्स इंग्लिश, मतलब पूरा उल्टा होता। सबसे पहले तो टेबल उल्टा करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? देखो हम लोग, ये कितना रोज है, कितना कॉलम्स है? 1 2 3 4 5, फाइव कॉलम्स है, और कितना रोज़ है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अब उल्टा करने से क्या हो जाएगा? 7 कॉलम्स और 5 रोज़, पूरा उल्टा हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 रोज़ एंड 2 3 4 5 6 7। एक बार चेक करो, 7 हो रहा है? नहीं, 6 हुआ। तो 2 3 4 5 6 7 अब हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, पहले पूरा सिलेक्ट कर लो, फिर फॉर्मूला टैब में जाओ, टाइप करो ट्रांसपोज। अब जिस एरे को ट्रांसपोज करना है उसको पूरे को सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, दिस इज़ अ मैट्रिक्स फंक्शन। हम लोग और भी मैट्रिक्स फंक्शन सीखेंगे आगे। ट्रांसपोज इज़ अ मैट्रिक्स फंक्शन। वाई अ मैट्रिक्स फंक्शन? बिकॉज हम लोग एक पूरे टेबल को लेके डील कर रहे हैं साथ में,
सो दिस इज अ मेट्रिक्स फंक्शन. तो मेट्रिक्स फंक्शन को जब भी एग्जीक्यूट करना होता है हम लोग सिर्फ एंटर प्रेस नहीं करते, हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं एंड सी क्या आ गया. क्लियर है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर. सबसे पहले जितना भी आउटपुट चाहिए पूरे को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे टाइप एंड देखो क्या आ गया. यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ गए. दिस रिप्रेजेंट्स दैट यू हैव इनपुटेड अ मैट्रिक्स फंक्शन. अब यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर आप लोग कोई भी एक पर्टिकुलर सेल वैल्यू चेंज करना चाहो तो एरर आएगा. व्हाई? बिकॉज ये पूरा इज अ मैट्रिक्स फंक्शन, पूरा साथ में ले रखी हूँ यहाँ पे. सो यू कांट चेंज एनी पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम दिस टेबल. क्लियर है? ट्राई करो ट्रांसपोज करने का. सी यहाँ पे अगर हम लोग प्रिया का एज कर देते हैं 20, ठीक है, तो प्रिया का एज चेंज हो गया 20, ठीक है. सो इट्स ऑल रिलेटेड, चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास से कॉपी लेके आना है, ठीक है. एंड अभी तक जितना भी किए ना ट्राई करो रिकलेक्ट करने का एंड सारा फंक्शंस लिखते जाओ, क्योंकि आप लोग को याद नहीं रहेगा फिर. एंड एटलीस्ट अगर कभी एक्सेल फाइल खो भी गया सो यू हैव योर नोट्स विथ योर सेल्फ. तो नेक्स्ट क्लास में मेक श्योर यू गेट अ कॉपी एंड उस कॉपी में अभी तक जितना भी हमने किया है ट्राई करो रिकलेक्ट करने का एंड राइट ऑल द फंक्शंस एंड बगल में खाली उसका एक लाइन का यूज़. वी लुकअप का स्पेशली सब कुछ लिख के आना, ठीक है, कि कैसे यूज़ करते हैं एंड वॉट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा फिर कि कैसे यूज़ कर रहे हैं. कंट्रोल शिफ्ट एंटर आया. इसको कलर कर दो हेडिंग्स को. ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग एच लुकअप करेंगे. हॉरिजॉन्टल लुकअप. वर्टिकल लुकअप क्या था? जब हम लोग कॉलम वाइज सर्च कर रहे थे अपने वैल्यूज़ को, अब हम लोग रो वाइज सर्च करेंगे अपने वैल्यूज़ को, ठीक है. तो रो वाइज सर्च करने के लिए देखो यहाँ पे सपोज मुझे अब चाहिए आयुष का मैथ का मार्क्स, तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे? रो वाइज जाएंगे. सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर रो में ये अगर मेरा पूरा टेबल है, मुझे आयुष का मैथ का मार्क्स चाहिए, तो इस रो में आयुष कौन से कॉलम में आ रहा है? सेकंड कॉलम में. फिर मैथ का मार्क्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने है? सेकंड कॉलम से. तो उसका ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. जैसे वी लुकअप में कॉलम वाइज जाते हो, एच लुकअप में रो वाइज जाते हो. क्लियर है? तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे सपोज लिख लेते हैं, अगेन वील क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रिया. प्रिया लिख लो. प्रिया लिख लो. पहले देख लेना एच लुकअप. लुकअप वैल्यू क्या है हमारा? अच्छा, एज लुकअप का भी पढ़ो. लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ द टेबल. जैसे उसमें लेफ्ट मोस्ट था, एज लुकअप में शुड बी द टॉप मोस्ट, ठीक है, ऑफ द वैल्यूज एंड रिटर्न्स द वैल्यू इन द सेम कॉलम ऑफ द रो यू स्पेसिफाई. तो अगर ये वाला मेरा कॉलम है थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम का सेकेंड रो से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है. तो कैसे करेंगे? देखो एच लुकअप, लुकअप वैल्यू प्रिया है, टेबल आ रही है पूरा है, रो इंडेक्स नंबर मतलब कौन से रो से हम लोग को वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं, कौन से रो से करने हैं? टू, सेकंड कॉलम से करने हैं. वापस हम लोग क्या देंगे? फॉल्स. क्लियर है? क्लोज किया, एंटर किया, आई गॉट 76. अगेन यहाँ पे प्रिया के जगह पे एक
लिस्ट क्रिएट करके चेक करो कि वैल्यूज चेंज हो रहे हैं कि नहीं। देखो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ट्राई करूं। ठीक है, आया, वेरी गुड। ठीक है, अब ये हम लोग कर लिए। एच लुकअप, इसका भी क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि द लुकअप वैल्यू वाला जो कॉलम है शुड बी ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ द कॉलम ऑफ द टेबल यू हैव सिलेक्टेड। इवन इफ अगर यहाँ से टेबल सिलेक्ट होता तभी भी टॉप मोस्ट होना चाहिए। टेबल कहीं से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने टेबल आरे में, क्लियर है। अब एक चीज़ का और बात ध्यान रखना, सपोज़ यहाँ वी लुकअप में हमने क्या किया, साक्षी लिखा है यहाँ पे। अब सपोज़ मैं दूसरे कॉलम में आयुष लिखती, फिर यहाँ प्रिया लिखती, ये कब यूज़ होता है, वी लुकअप का यूज़ क्या है? वी लुकअप का ये यूज़ है कि अब सपोज़ दो डिपार्टमेंट है कंपनी में, ठीक है, एक मेरा डिपार्टमेंट है विच लुक्स अप टू द क्लेम्स, क्लेम्स एज इन कितने क्लेम्स आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स आते हैं, आते हैं इन द सेंस सपोज इंश्योरेंस कार इंश्योरेंस में डील करे, राइट, तो एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ डैमेज, तो क्लेम आएगा, ठीक है, जो पॉलिसी होल्डर है वो क्लेम करेगा। सो आई एम द क्लेम्स डिपार्टमेंट, मैं क्लेम्स कलेक्ट करती हूँ, मेरे पास क्लेम्स आते हैं, तो मैं पॉलिसी होल्डर का नेम नहीं यूज़ करती हूँ, मैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब सपोज जैस्मिन दूसरे ग्रुप में, दूसरे टीम में, वो उसका टीम डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, ठीक है। अब उसका जो पूरा टेबल है जो उन लोग बनाते हैं टेबल डेटा कलेक्शन का, वो थोड़ा डिफरेंट है मेरे टेबल से, पर हम लोग दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो हम लोग दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर फॉलो करते हैं ऑब्वियसली। तो अब उसे पता कैसे चले, उसे नेम एक्सट्रैक्ट करना है, सपोज यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर्स है एंड यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग नेम्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर है, मेरे पास नेम्स नहीं होते, मेरे पास खाली रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करने की नेम्स क्या है पॉलिसी होल्डर के। तो वो क्या करेगी, वो मेरा डेटा लेके मेरे डेटा के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या एक्सट्रैक्ट करेगी, उसका नेम्स एक्सट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये जनरली ये जो लिस्ट वाला चीज़ है ये तब काम आते हैं जब बहुत कम हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं। जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसा होता है कुछ, हम लोग एक पूरे कॉलम में, सपोज ये मेरा पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर्स दिया हुआ है या फिर ये पूरा नेम्स दिया हुआ है मेरा, ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इनके मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोग इस पूरे फंक्शन को नीचे ड्रैग कर सकते हैं, AA4 की जगह पे AA5 आ जाएगा, AA6 आ जाएगा, पर एक चीज़ और चेंज होगा, क्या, ये वाला टेबल एरे, दिस टेबल एरे शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, राइट, क्योंकि वो ड्रैग करो कहीं भी टेबल तो यही है, टेबल आपका नहीं चेंज हो रहा, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे, क्लियर है। एब्सोल्यूट क्यों किया हमने, FNFO जो हमने शॉर्टकट सीखा था एब्सोल्यूट करने का, क्योंकि हम कहीं भी ड्रैग करें माई टेबल एरे रिमेन्स द सेम, टू पर चेंज नहीं होगा ना ड्रैग करने से, टू कैसे चेंज होगा, टू विल नॉट चेंज, ठीक है। तो ये हमने किया, अब सपोज सब देखो मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, तो देखो द टेबल आरे रिमेन्स द सेम, खाली हम लोग का लुकअप वैल्यू चेंज हो गया,
ठीक है, तो ये आउटपुट क्या आ रहा है, 89। आयुष का मैथ का मार्क्स 89। क्लियर है, करो ट्राई। ठीक है, ठीक है, तो ये आया हम लोग का। अब हम लोग करेंगे हाउ टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ वी लुकअप एंड एच लुकअप। उसके लिए वी यूज़ इंडेक्स मैच फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा एक बार में, पर ये बहुत ईजी है जब तुम लोग करने लग जाओगे। सो बेसिकली वॉट इज़ इंडेक्स फंक्शन, यहाँ पे एक बार टाइप करके देखते हैं क्या है। इट रिटर्न्स अ वैल्यू और अ रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम इन अ गिवन रेंज एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो और अ कॉलम। बेसिकली सपोज अब मुझे यहाँ पे वी नीड टू स्पेसिफाई कि हमें सेकेंड कॉलम से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने, राइट? अब मुझे स्पेसिफाई नहीं करना कौन से कॉलम से एक्सट्रैक्ट करने, मुझे ये भी नहीं पता। सपोज मैं बहुत बड़ा टेबल है विथ सपोज लेट्स से सपोज 50 रो 50 कॉलम्स, 50 कॉलम्स, इसका क्या मतलब है? अब आप ढूंढने जाओ कि कौन से कॉलम से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने हैं, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ दैट कॉलम, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि हमें मैथ का जो कॉलम नंबर है, मैथ का जो कॉलम नंबर है वो भी नहीं स्पेसिफाई करना पड़े। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हम लोग नेम नहीं स्पेसिफाई कर रहे, नेम वी लुकअप में, पर इंडेक्स में हम लोग दोनों चीज़ नहीं स्पेसिफाई करेंगे। एज इन हम लोग नेम तो करेंगे ही नहीं कि कौन से रो से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, हम लोग कॉलम नंबर भी नहीं बताएंगे 2 है या 3 है, हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे मैथ है। ये वाला चीज़ क्लियर है? इसके लिए हम लोग को मैच फंक्शन भी सीखना पड़ेगा, जो कि हम लोग सीखेंगे। बेसिकली इंडेक्स फंक्शन क्या होता है, एकदम शॉर्ट में समझो, एक पर्टिकुलर कॉलम एंड एक पर्टिकुलर रो का जो इंटरसेक्शन होता है उसका वो आउटपुट निकाल देता है। एक पर्टिकुलर कॉलम एंड एक पर्टिकुलर रो का जो भी इंटरसेक्शन है वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है। अब वो नल एरर याद आ रहा है? सपोज हम लोग कॉलम बताते ये, रो बताते ये, इंटरसेक्शन हो रहा है कहीं भी, तो नल एरर आता। क्लियर है? तो ठीक है, हम लोग इंडेक्स फंक्शन सीखते हैं क्या होते हैं, एकदम पहले बेसिक से करते हैं। सपोज मेरा ये देखो एरे, मतलब कि ये पूरा मेरा टेबल आ रहे हुआ, ठीक है, रो नंबर सपोज सेकंड रो नंबर हो गया ये। सपोज मेरा आयुष का मुझे मैथ का मार्क्स जानना है, तो इस पर्टिकुलर पूरे कॉलम में, इस पर्टिकुलर टेबल में आयुष कौन से रो में है? सेकंड रो में है। कॉलम नंबर अब स्पेसिफाई नहीं करोगे कॉलम नंबर तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, पर ये ब्रैकेट्स में है। ये क्यों ब्रैकेट्स में मैं बता रही हूँ, सबसे पहले देखो रो नंबर बताया हमने, कॉलम नंबर क्या बताएंगे मैथ के लिए? 2 बताएंगे, 2 बताएंगे। खोला देखो 89 आया इंटरसेक्शन, सेकंड रो सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन 89 आया वैल्यू। तो ये हमने किया इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, एक तरीका और है इंडेक्स फंक्शन का, अगर सपोज मुझे सिर्फ इसी एक कॉलम से, इसी एक रो से, इसी एक रो से मैथ कौन से रो कौन से कॉलम नंबर पे आ रहे हैं वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, समझ रहे हो? इस पर्टिकुलर रो से मैथ कौन से कॉलम में है, कौन से कॉलम में है वो एक्सट्रैक्ट करना है, तुम खाली ये वाला रो बताएंगे इन द एरे, रो नंबर हो जाएगा मेरा मैथ। या फिर रुक जाओ, बेटर वे टू एक्सप्लेन, सपोज ये पूरा मेरा कॉलम है, इससे मुझे पता लगाना है कि प्रिया कौन से रो नंबर में आ रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रो नंबर
लेट्स सपोज 3, क्या आया? बेसिकली इंडेक्स फंक्शन से क्या होता है, यू गेट अ वैल्यू विच इज देयर इन द सेल. हम लोग जब पूरा टेबल सिलेक्ट करते हैं एंड वी स्पेसिफाई द रो नंबर एंड द कॉलम नंबर, तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो आया. अगर खाली एक आप कॉलम बता रहे हो एंड रो नंबर बता रहे हो, हमने कॉलम बताया रो नंबर 3 बताया, तो क्या एक्सट्रैक्ट हो गया? प्रिया. सिमिलरली अगर आप ऐसे करते इंडेक्स एंड ये आपका पूरा रो है एंड सपोज मैं बताती 2. मैथ इंडेक्स फंक्शन में आउटपुट इज ऑलवेज सेल का आउटपुट. ये सेल कहाँ पे, इस सेल का आउटपुट क्या है? दो तरीका है. पहली बात तो आप पूरा जब टेबल बता रहे हो तो उसका रो नंबर कॉलम नंबर वो इंटरसेक्शन विल बी द आउटपुट. अगर आप एक रो सिलेक्ट कर रहे हो, कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो, कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या बताना है? रो नंबर. और अगर आप एक रो सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या बताना है? कॉलम नंबर, जहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है. अब हम लोग मैच फंक्शन जब सीखेंगे दोनों का साथ में जनरली यूज़ होता है. कभी भी इंडेक्स सेपरेटली या मैच फंक्शन सेपरेटली यूज़ नहीं होता, वो हम लोग सीखेंगे क्यों. पहले आप लोग इतना करो, एक बार ट्राई, एकदम बेसिक वाला ट्राई करो. पूरा टेबल सिलेक्ट करो और जो भी रो नंबर एंड जो भी कॉलम नंबर से आउटपुट चाहिए वो लिख लो. नहीं, इसीलिए हम लोग इंडेक्स मैच यूज़ करेंगे. सेपरेटली इंडेक्स बहुत कम यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मैच फंक्शन में. सो व्हाट इज मैच फंक्शन? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट रिटर्न्स द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एन आइटम. इट रिटर्न्स द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर. इसका क्या मतलब है? अब सपोज मुझे पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में प्रिया कौन से रो नंबर पे आ रही है, तो वो आउट क्या हो जाएगा? 3. तो मैच फंक्शन का आउटपुट विल बी 3. देखो सबसे पहले हम बताते हैं लुकअप वैल्यू. हम लुकअप वैल्यू बता रहे हैं साक्षी, ठीक है? लुकअप वैल्यू बताया हमने, लुकअप एरे. अब याद रखना इन मैच फंक्शन लुकअप एरे शुड ऑलवेज बी अ कॉलम और अ रो, इट कैन नॉट बी अ टेबल. क्योंकि अगर आप टेबल बता दोगे तो वो क्या बताएगा आपको, साक्षी कौन से रो में है या साक्षी कौन से कॉलम में है, राइट? पर अगर आप बता रहे हो ये वाला पूरा कॉलम, तो ये बता पाएगा कि कौन से रो में है साक्षी, कौन से रो में है साक्षी. अब यहाँ देखो एग्जैक्ट मैच लेस देन ग्रेटर देन, मुझे क्या चाहिए? एग्जैक्ट मैच. सो आई टाइप 0, बन किया 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5. हाँ, तो लुकअप वैल्यू तो हमने ऐसे ही किया था ना उस समय जब वी लुकअप भी किया था. अब इसको चेंज करो, देखो 4 हो गया, 6. मैच फंक्शन से क्या मिलता है? अ रो नंबर और अ कॉलम नंबर. रो नंबर कब मिलेगा? जब आप कॉलम सिलेक्ट करोगे. और कॉलम नंबर कब मिलेगा? जब आप रो सिलेक्ट करोगे. एक और एग्जांपल देखो, लुकअप वैल्यू लेट्स सपोज मैथ है एंड हम लोग का लुकअप एरे सपोज ये वाला पूरा रो है, 0 लिखा हमने. तो इस पूरे रो में मैथ कौन से कॉलम में आ रहा है?
सेकंड कॉलम में आ रहा है, टू। क्लियर है? मैच फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन से क्या होता था, इस हम लोग पूरा टेबल बताते थे, रो नंबर कॉलम नंबर, उसका इंटरसेक्शन का आउटपुट, या फिर अगर आप एक कॉलम बताओगे तो उसका रो नंबर बताओगे, वहाँ से आउटपुट आ जाएगा, या फिर अगर आप लोग रो बताओगे उसका कॉलम नंबर बताओगे तो आउटपुट आ जाएगा। मैच फंक्शन में क्या होता है, अगर एक कॉलम बता रहे हो तो उसका रो नंबर आ जाएगा, और अगर एक रो बता रहे हो तो उसका एक कॉलम नंबर आ जाएगा। करके देखो ट्राई। ट्राई करो आराम से, कोई भी डाउट है तो पूछते रहना। आया? अब देखो हम लोग इंडेक्स और मैच को कैसे साथ में यूज करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन का आउटपुट क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम सेल में क्या है उसका वैल्यू। मैच फंक्शन का आउटपुट क्या होता है, रो नंबर और द कॉलम नंबर। इंडेक्स फंक्शन का इनपुट क्या होता है, रो नंबर और द कॉलम नंबर। सो उस इनपुट की जगह पे कैन वी यूज मैच फंक्शन? सो वॉट विल हैपन, यहाँ देखो, इस केस में आपने रो पूरा टेबल बताया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू, जैसे वो पूछी कि अगर बड़ा टेबल होगा तो मैथ वाला हम लोग काउंट करेंगे कौन से कॉलम में आ रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग कैन वी यूज़ अ मैच फंक्शन यहाँ पे, जिसका आउटपुट टू आ जाए। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टू ही तो लाया था हमने, टू ही तो लाया था। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू कैन वी यूज़ अ मैच फंक्शन, यहाँ पे अगेन इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू कैन वी अगेन यूज़ अ मैच फंक्शन। क्लियर है? अब जो करेंगे ना उसे पर ध्यान से सुनना फिर करना। इंडेक्स सबसे पहला तो ये पूरा मेरा टेबल आ रहे बन गया, राइट? अब मुझे बताना है रो नंबर। रो नंबर यानी कि ये वाला रो नंबर्स है, ठीक है? तो रो नंबर में हम लोग मैच फंक्शन यूज़ करते हैं। अब मैच फंक्शन में हमें आउटपुट चाहिए रो नंबर। जब आउटपुट रो नंबर चाहिए होता है मैच फंक्शन में, तो हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, कॉलम सिलेक्ट करते हैं, कॉलम सिलेक्ट करते हैं। तो लुकअप वैल्यू हो जाएगा सपोज रिया, कि रिया कौन से रो नंबर में आ रही है ढूंढो, ठीक है? लुकअप एरे हो जाएगा ये कॉलम, ठीक है? ये कॉलम हम लोग का एग्जैक्ट मैच हो गया, जीरो। क्लोज। नेक्स्ट अगेन लिखो मैच फंक्शन। ये अब हम ये इस मैच फंक्शन का आउटपुट क्या होगा बताना, रिया था ना, तो ये वाला जो भी रो नंबर है वो आउटपुट हो जाएगा, जो भी है, सिक्स है। अगेन मैच फंक्शन में देखो, अब हमें क्या बताना है, कॉलम नंबर, इंडेक्स नंबर का हमने रो स्पेसिफाई कर दिया, हमें अब कॉलम स्पेसिफाई करना है। तो उसके लिए वापस हम लोग मैच यूज़ करते हैं, एंड इसके अंदर व्हेन यू नीड टू स्पेसिफाई, व्हेन यू वांट द आउटपुट टू बी अ कॉलम नंबर, तो आप क्या सिलेक्ट करते हो, एक रो सिलेक्ट करते हो, राइट? तो अगर अगर ये वाला रो सिलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले लुकअप वैल्यू इज़ द मैथ, एंड लुकअप एरे इज दिस। इस पूरे रो में से मैच कौन से नंबर पे आ रहे हैं, टू पे आ रहे हैं, जीरो दे देंगे,
बन करेंगे। देखो यहाँ पे एक्सेल में ब्रैकेट्स कलरफुल होते हैं ताकि आपको समझ में आए ब्रैकेट क्लोज हो रहा है कि नहीं। सपोज व्हेन आई एम क्लोजिंग दिस ब्रैकेट, देखना ये वाला बोल्ड हो जाएगा एंड ग्रीन ग्रीन है, ये ब्लैक है, सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स ब्रैकेट्स में। अब यहाँ ध्यान दो, इसका आउटपुट आ रहा था 6, रिया को सिलेक्ट किया 6 आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है 2। तो इस पूरे टेबल का 6th रो एंड 2nd कॉलम का इंटरसेक्शन 88 आ जाएगा आउटपुट। अब देखना, व्हेन यू चेंज दिस, ये चेंज करने से क्या होगा, आपका मैच फंक्शन चेंज होगा, मैच फंक्शन चेंज होगा क्या ये वाला, बिकॉज आपने रो इधर बताया था, कॉलम बताया था ना, आपका रो नंबर्स चेंज होते जाएंगे। एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मैथ की जगह पे एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, सो यहाँ पे वी कैन क्रिएट अ लिस्ट, सोर्स हम बता सकते हैं, ये पूरा क्या होगा, देखो इंग्लिश डाला 72, बिकॉज क्या हो रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने मैच फंक्शन अंदर यूज़ किया है ना, बाय सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर सेल एंड दिस पर्टिकुलर सेल, तो बिन दोनों को जितने बार भी चेंज करी यू विल गेट एन आउटपुट ओवर हियर। कितना फ्लेक्सिबल हो गया, वी लुकअप में एक आप पर्टिकुलर कॉलम बताओगे खाली उसी में से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होंगे, सेकेंड कॉलम बताया सेकेंड कॉलम में से ही वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स जब यूज़ करो तभी भी आपको एक पर्टिकुलर बताना पड़ेगा, सिर्फ मैच करोगे तो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू बताना पड़ेगा, पर जब इंडेक्स मैच मैच यूज़ करें हम लोग, तो हम लोग को एक, हम लोग कितने फ्लेक्सिबल हो के, फ्लेक्सिबिलिटी से हम लोग अपना वैल्यूज़ खाली चेंज कर रहे हैं एंड मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है। ये हमने यूज़ किया इंडेक्स मैच मैच, वी कैन ऑल्सो डू इंडेक्स मैच, वो हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको करूँ याद रखना कैसे समझते हैं, मेरा बात सुन लो एक बार तब याद रहेगा आपको। इंडेक्स का आउटपुट इज़ द सेल नंबर, सेल सेल का जो आउटपुट है, मैच का आउटपुट इज़ द रो नंबर और द कॉलम नंबर। रो नंबर कब आता है, जब आप कॉलम सेलेक्ट करते हो, एंड कॉलम नंबर कब आता है, जब आप रो सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अब इंडेक्स में आपको ये एज एन इनपुट चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, मैच यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब इंडेक्स में सबसे पहला यू आर स्पेसिफाइंग द पूरा टेबल, नेक्स्ट यू वांट द रो नंबर, यू वांट अ रो नंबर, सो मैच फंक्शन में यू आर सिलेक्टिंग अ कॉलम टू गेट अ रो नंबर, एंड अगेन दूसरे में, दूसरे आउटपुट इनपुट में क्या चाहिए, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर की जगह अगेन वी आर यूजिंग मैच फंक्शन, एंड उस मैच फंक्शन की जगह पे आपको क्या कॉलम नंबर चाहिए, सो यू विल सिलेक्ट अ रो टू गेट द कॉलम नंबर। अब एक चीज़ और अभी सुन लो ताकि तुम लोग के मन में बैठ जाए बात। अब मुझे यहाँ पे हमने क्या किया था, इंडेक्स में, इंडेक्स में प्रिया के जगह पे हमने खाली एक रो कॉलम बताया था एंड रो नंबर स्पेसिफाई किया था, याद है, रो नंबर स्पेसिफाई किया था तो उसका आउटपुट आ गया था। सेम हम लोग यहाँ करते हैं, वी आर जस्ट सिलेक्टिंग अ कॉलम, इस कॉलम का आई विल जस्ट वॉन्ट द रो नंबर टू गेट द आउटपुट। अब रो नंबर कहाँ से बता सकते हैं, मैच, रो नंबर बताने के लिए क्या सिलेक्ट करते हो, कॉलम, तो सपोज हम लोग का लुकअप वैल्यू इज रिया, या फिर यहीं ले लेते हैं अनुष, एंड अब क्या स्पेसिफाई करते हो, कॉलम अनुष। ये एग्जाम्पल थोड़ा वेग लगेगा कि हमने सिलेक्ट किया अनुष, आउटपुट भी आ गया अनुष, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तब और क्लियर होगा। बेसिकली समझ आ रहा है इंडेक्स कैसे यूज होता है, मैच कैसे यूज होता है, दोनों साथ में कैसे यूज होता है, करो। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक आज का, बिकॉज ये थोड़ा हैवी टॉपिक है, हमने आज वैसे ज़्यादा फंक्शन सीखे नहीं है, बट ये जो फंक्शन हमने सीखा है ना, ये थोड़ा हैवी है ग्रास्प करने, इस पर सम्स करेंगे अभी क्लास में तो और क्लियर होगा। हेलो हेलो,